गुड मॉर्निंग क्लास टू। प्यारे बच्चों, आप लोग साकुशल होंगे। आज मैं आप सबों को नवीन पाला बुक में रिवीजन कराने जा रही हूँ। पार्ट ए, पेज नंबर 47। अनिमा की नन्ही बिल्ली, असामिया कहानी। प्यारे बच्चों, आप लोग ये पार्ट अपने से पढ़ लेंगे। मैं आप सबों को प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। आप लोग देखिए, का नंबर उत्तर लिखिए। पहला, अनिमा जब बिल्ली को गोद में लेती तो बिल्ली क्या करने लगती? उत्तर, अनिमा जब बिल्ली को गोद में लेती तो बिल्ली अनिमा के गोद में आते ही बिल्ली बड़ी मीठी सी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगती। दूसरा प्रश्न, पुसी ग्लोब के साथ क्या कर रही थी? उत्तर, पुसी ग्लोब के साथ खेल रही थी। तीसरा नंबर, स्याही गिरने से क्या हो गया? उत्तर, स्याही गिरने से पिताजी के किताब, कागज, मेज, फर्श सब और स्याही फैल गई। चौथा, चोरों के निकल भागने के बाद अनिमा के पिता ने क्या किया? उत्तर, चोरों के निकल भागने के बाद अनिमा के पिताजी ने पुसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, आज तो तेरे ही कारण हम बच गए। खा नंबर, किसने किससे कहा? पहला नंबर, अपनी बिल्ली को तू खुद संभाले रखना। उत्तर, अनिमा की माँ ने अनिमा से कहा। दूसरा, क्या ज़्यादा चोटगी है तुझे? उत्तर, अनिमा ने पुसी से कहा। तीसरा, पुसी मेरी पुसी तू आ गई? उत्तर, अनिमा ने पुसी से कहा। चौथा नंबर, आज तो तेरे ही कारण हम बच गए? उत्तर, अनिमा के पिता ने पुसी से कहा। आगे देखो बच्चों, पेज नंबर 52 में मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, गांधी जी चरखे से क्या करते थे? उत्तर, सूत काटते थे। दूसरा, ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? उत्तर, भेड़ों से। तीसरा, आग लगने पर किससे बुलाया जाता है? उत्तर, अग्निशमन दस्ते को। चौथा नंबर, घर की रक्षा करने के लिए किस जानवर को पाला जाता है? उत्तर, कुत्ते को। प्यारे बच्चों, मैं आज इतना ही रिवीजन कराऊंगी। धन्यवाद।